गाजीपुर में एक ऐसी विधायिका है जो अपने परिवार के साथ अपने नेत्र को दान करने की घोषणा कर दिया है, जिसमें मरने के बाद उनकी आंखों को दिव्यांगों को दिया जाए ताकि वो देख सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदर विधायक संगीता बलवंत की, जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में काफी ऐसे लोग शामिल हुए जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। उन्हें देखकर सदर विधायिका ने पति और परिवार संग फार्म भर कर घोषणा किया कि हम लोग मरने के बाद हमारी आंखों को ऐसे लोगों को दान किया जाए ताकि वो हमारी आंखों से देख सके। इस मामले में सदर विधायिका ने बताया कि पिछले दिनों हमने जमनिया में एक कार्यक्रम कराया था, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे, अपनी आंखों को देख नहीं सकते थे। उन्हें देखकर हमने प्रण लिया कि हम, मेरे और पति, हमारे परिवार सहित कुछ गाँव वालों ने फार्म भरा है, उसमें लिखा है कि जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारी आंखों को ऐसे लोगों को दान किया जाए जो देख नहीं सकते। साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि हमें लोग मरने के बाद भी याद करें। हम लोग एक कार्यक्रम में बहुत पहले गए थे, कार्यक्रम करवाया था जमनिया में, उसमें मैं, मेरे पति, मेरी सासू माँ, उसके अलावा घर के दो चार और मेंबर और आसपास मोहल्ले के कुछ बुद्धिजीवी तरह के लोग जो ऐसा करना चाहते थे, उन लोगों ने भी अपना नेत्र दान किया और उसके लिए एक फॉर्म भरा। और घर में हम लोग सब लोगों ने बता चुके हैं कि हम लोग नेत्रदान का फॉर्म भरे हैं ताकि हमारी भविष्य में किसी भी तरह मृत्यु होती है, आकस्मिक या स्वाभाविक, तो वो हमारे नेत्र को दान करें, क्योंकि हम दुनिया में रहे न रहे, हमारी आंखों द्वारा हम पुनः दुनिया को देख सकेंगे और किसी को जीवन दे पाएंगे, किसी को ज्योति दे पाएंगे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो वो दृष्टिहीनों का एक कार्यक्रम था, तो उसमें हमने देखा कि बहुत से ऐसे दृष्टिहीन लोग हैं जिनमें बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं और देख न पाने के कारण उनका विकास रुक जा रहा है, वो अपने मंजिल तक पाने में थोड़े पीछे हो जा रहे हैं। तो हमें लगा कि मृत्यु उपरांत यदि हम लोग अपना नेत्र दान करते हैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जो हमारी तरह सोचे और नेत्र दान करें, तो बहुत से दृष्टिहीन लोगों को ज्योति मिल जाएगी और वो मंजिल आसानी से पाएंगे, क्योंकि हम तो देख सकते हैं लेकिन वो जो देख नहीं सकते, जिनका नेत्र नहीं है, उनकी परेशानियों को हम महसूस करते हैं, देखते हैं, और उनके लिए बढ़ चढ़ कर हम लोग नहीं आएंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा।